हेलो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 16.3 एक्सरसाइज। देखिए 16.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक बैग है जो 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक कंटेन कर रहा है, और एक बैग सेकंड है जो 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल कंटेन कर रहा है। तो क्या हुआ बेटा यहाँ पर कि 1 बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड, यानी ये हमारे पास बैग फर्स्ट है जिसके अंदर 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, ये सेकंड बैग है हमारे पास जिसमें 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है। तो क्या कहा गया कि इस बैग फर्स्ट से बैग सेकंड के अंदर एक बॉल ट्रांसफर की गई। तो अब कौन सी बॉल ट्रांसफर की गई, वो रेड थी या ब्लैक थी, वो बेटा हमें नहीं पता। तो रेड बॉल का ट्रांसफर होना तो हो गया हमारे पास इवेंट इवन, और ब्लैक बॉल का ट्रांसफर होना हमारे पास बेटा हो गया यहाँ पर इवेंट ई टू। तो इवेंट इवन कितना हो गया बेटा अपने पास, रेड बॉल ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इवेंट। सेकंड इवेंट क्या हो सकता है कि हमने बैग जो बैग फर्स्ट है उसमें से ब्लैक बॉल को ट्रांसफर किया। तो इवेंट हमारे पास ई टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग सेकंड, ओके बेटा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कर गए है ना, ट्रांसफर कर दी। देन ए बॉल इज रन फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड, यानी बैग फर्स्ट टू सेकंड, सॉरी यहां पर आ जाएगा अपने पास फ्रॉम टू बैग सेकंड। क्या कह गया कि जब हमने यहां पर फर्स्ट बैग से सेकंड बैग के अंदर बॉल ड्रॉ कर दी, चाहे वो रेड हो या ब्लैक हो, उसके बाद सेकंड बैग से एक बॉल निकाली गई। यहां पर कह रहा है देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम टू सेकंड बैग, द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। तो जो सेकंड बैग से हमने बॉल निकाली वो कौन सी बॉल मिली हमें, रेड बॉल मिली बेटा, कौन सी मिली, रेड बॉल। तो रेड बॉल का मिलना हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन इवेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा, ड्रॉन बॉल इज रेड फ्रॉम बैग सेकंड, यानी जो सेकंड बैग से निकाली गई बॉल वो क्या है, रेड बॉल है, ठीक है। अब बेटा अपन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इवन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन निकालते हैं अपन। तो मुझे बताओ कि जब मैंने रेड बॉल ट्रांसफर की होगी तो टोटल मेरे पास बॉल कितनी है बैक फर्स्ट में, 7। रेड बॉल कितने में से ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं, 3 में से, तो 3/7 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं E2 निकालूंगा यहाँ पर तो बेटा कितना हो जाएगा, टोटल बॉल कितनी है बैक फर्स्ट में, 7, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉल ट्रांसफर की जा रही है बैक फर्स्ट से, तो मेरे पास टोटल कितनी है 7, और 7 में से ब्लैक कितनी है मेरे पास 4, तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4%। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा किसकी, रेड बॉल के निकलने की, कहां से, बैक सेकंड में से, कब, जब मैं रेड बॉल ट्रांसफर कर चुका हूं सेकंड बैक के अंदर, ठीक है। तो रेड बॉल का ट्रांसफर होना यानी मेरा इवेंट इवन यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका ऑलरेडी। तो आप मुझे बताइए जब मैंने रेड बॉल ट्रांसफर कर दी यानी इवेंट इवन कंप्लीट हो गया, अब रेड बॉल निकाली जा रही है सेकंड बैग में से, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो मेरा इवेंट ए है। तो रेड बॉल जब मैंने ट्रांसफर की थी तो रेड कितनी हो गई, अब एक बॉल डाल दी रेड इसमें तो रेड हो गई मेरे पास 5, रेड कितनी होगी बेटा मेरे पास 5, और ब्लैक कितनी है मेरे पास वो भी 5, तो टोटल कितनी हो गई 10, और 10 में से रेड कितनी है मेरे पास 5, समझ में आया। अब बात करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे वही, कौन सी, रेड बॉल का निकलना फ्रॉम सेकंड बैग, कब, जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर चुका हूं यानी इवेंट E2 का कंप्लीट होना, यानी यहां पर ब्लैक बॉल ट्रांसफर की जा चुकी है, तो इवेंट E2 इवेंट कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो जब मैंने ब्लैक बॉल डाली तो बेटा बेटा मेरे पास ब्लैक बॉल, रेड तो 4 ही रह गई लेकिन ब्लैक कितनी हो गई मेरे पास 6, तो टोटल बॉल कितनी है 10, और उसमें से रेड बॉल निकाली जा रही है ना, बैक सेकंड में सिर्फ एक से रेड बॉल ही निकलेगी, चाहे जैसे आप ब्लैक डालो या रेड ट्रांसफर करो। तो अब रेड कितनी मेरे पास, जब ब्लैक ट्रांसफर करूंगा तो 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मेरे पास, 8.4/10। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है यहाँ पर, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग इज ब्लैक, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि फर्स्ट बैग से जो आपने बॉल ड्रॉ करी है वो कौन सी है, ब्लैक है, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये यानी E2 इवेंट है ना। अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं कि हमें निकालना है E2 इवेंट यानी ब्लैक बॉल का निकलना, कहां से, फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल का ट्रांसफर होना। तो मुझे एक बताओ, रेड बॉल तो हमने निकाल दी सेकंड बैग से,
है ना, किस चीज की प्रॉब्लम, रेड बॉल तो निकल गई यानी मेरा इवेंट ए कंप्लीट हो गया। अब प्रॉब्लम किस चीज की फाइंड करनी है कि जो ट्रांसफर की गई बॉल है वो ब्लैक है ना, रेड बॉल तो निकल गई सेकंड वेग से, तो ट्रांसफर की गई बॉल कौन सी है, ब्लैक बॉल है। तो हम यहाँ पर बेटा बेस थ्योरम का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू, ये अपन पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जितनी भी प्रोबेबिलिटी और इवेंट है जो भी उसके बारे में लिख देते हैं। तो ई वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू, बट ये अपने पास कितना है 4/7, ये हमारे पास कितना है 4/10 अपॉन में ये हमारे पास कितना बेटा 5/10 है ना, सॉरी 3/7, और ये कितना है मेरे पास 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। यहाँ देखो बेटा ऊपर तो 7 और 10 हो जाएगा 70, ये भी हो गया 70, ये भी हो गया 70, तो 70 नीचे अच्छी हो जाएगा, तो 70 से 70 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रहेगा 4 × 4 यानी 16, ये रहेगा कितना 15 प्लस ये भी कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा 16/31। तो हमारे पास ब्लैक बॉल का ट्रांसफर करने की जो प्रोबेबिलिटी है जब सेकंड बैग से रेड बॉल निकाली जा चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 16/31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का क्या कर रहा है कि एक बैग है जो फॉर रेड एंड फॉर ब्लैक बॉल ही कंटेन करता है, और एक दूसरा बैग है अनदर बैग जो 2 red and 6 black ball कंटेन करता है, तो वन ऑफ द टू बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी उन दोनों बैग में से एक बैग को सेलेक्ट किया गया। तो बेटा यहाँ पर दोनों में से एक बैग को जो सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 कितनी हो जाएगी 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड, यानी पहले दो बैग थे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कितने बैग थे, टू बैग्स थे, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट बैग कितनी बैग 4 तो रेड रख रहा है और 4 ही क्या रख रहा है ब्लैक, और सेकंड बैग है जो क्या रख रहा है 2 रेड रख रहा है और ब्लैक कितनी रख रहा है 6। अब इन दोनों में से रैंडमली जो है वो एक बैग सेलेक्ट किया गया, तो बेटा पहला बैग अगर हमने तो दो बैग में से एक को सेलेक्ट करना, तो हमारे पास क्या हो गया बैग फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो इवेंट इवन हो गया, बैग सेकंड को सेलेक्ट करना इवेंट ई टू हो गया, सेलेक्ट फर्स्ट बैग ई टू क्या हो गया बेटा, यहां लिख लीजिए नीचे थोड़ा, ई टू हो गया सेलेक्ट बैग सेकेंड, क्लियर बेटा। अब आगे क्या कहा गया कि बैग सेलेक्ट करने के बाद जो बॉल निकाली गई वो क्या है, वो है रेड बॉल, बेटा क्या है रेड बॉल, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कॉमन इवेंट हो गया, रेड बॉल इसमें से भी हो सकती है इसमें से भी हो सकती है, तो ये हो गया हमारे पास गेटिंग रेड बॉल या फिर ड्रॉन बॉल इज रेड, बात देखिए। चलो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, तो बताओ बैग फर्स्ट को सेलेक्ट करना, टोटल बैग कितने हैं 2, उसमें से पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर बैग कितने हैं 2, उसमें से एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सेकंड बैग भी कितना है 1/2, इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं रेड बॉल निकालने की, कि इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, है ना, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है कब, जब मैंने बैग यहाँ पर ए फर्स्ट बैग मैंने सेलेक्ट कर लिया हो, यानी इवन का मतलब क्या है कि बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया जा चुका है, ठीक है बेटा, तो इस बात की प्रॉपर्टी निकालनी है रेड बॉल आने की, तो बेटा बैग फर्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया तो बैग फर्स्ट बॉल कितनी है मेरे पास टोटल 8, उसमें से रेड बॉल कितनी है मेरे पास 4, ठीक है। इसी तरह मैं प्रॉपर्टी निकाल लूंगा कितनी a अपॉन e2 का मतलब रेड बॉल आने की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है जब हमने बैग सेलेक्ट सेकंड कर लिया है यहाँ पर, तो सेकंड बैग के अंदर बॉल कितनी मेरे पास वही 6 × 2 कितना हो गया 8, और रेड बॉल कितनी निकलेगी इसमें से 2, क्लियर बेटा। तो हमें किस चीज की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, तो फाइंड द प्रोबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग,
तो हमें इस बात की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है कि जो रेड बॉल निकाली हमने, जो इवेंट ए है जो हम निकाल चुके हैं कि रेड बॉल निकाल ली, ठीक है, यहाँ पर प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है हमें किसकी, कि जो बॉल है वो फर्स्ट बैग में से निकली। तो फर्स्ट बैग में से मतलब इवेंट कौन सा, इवन रेड बॉल निकल चुकी है, यानी हमारा ए इवेंट कंप्लीट हो चुका है। अब फाइंड करो कि वो जो रेड बॉल निकली वो फर्स्ट बैग में से निकली, इस बार की प्रॉबिलिटी। तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई प्रॉबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन अपॉन प्रॉबिलिटी ऑफ इवन प्रॉबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ई टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू। ये हम क्या कर रहे हैं, बेस थ्योरम यूज कर लेंगे। क्लियर बेटा? तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवन कितना अपने पास, 1/2 इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू कितना अपने पास, इसको कैंसिल कर दो तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये भी हो गया मेरे पास 1/2। तो 1/2 × 1/2 प्लस 1/2 × 1/2 × 1/4 बेटा ऊपर तो हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4 और ये कितना हो गया 1/8। ऊपर 1/4, नीचे से अपन एलसीएम ले लेते हैं 8, तो 8 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम, तो ये हो गया 2+1, ठीक है। तो 1/4 × 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3, तो अपने पास आगे बेटा टोटल 2/3। तो इतना करने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3। तो इस बात की प्रॉबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, कि जब हमने रेड बॉल निकाल ली तो निकाली गई बॉल फर्स्ट बैग से आई, इस बार की प्रॉबिलिटी आ गई हमारे पास 2/3, ठीक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और 9 to 12 आपको मैथमेटिक्स के चैनल पर यहाँ पर कम्प्लीटली मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 16.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 3 कॉइंस, वन इज अ 2-headed कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ साइड्स, अनदर इज बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% टाइम्स, एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन। वन ऑफ द 3 कॉइंस इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड इट्स शो हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट is it was the 2-headed coin। बेटा हमारे पास यहाँ पर 3 coins है, पहला coin है जिसके दोनों ही ओर क्या है, head है, ठीक है। दूसरा जो coin है बेटा वो हमारे पास biased coin है, और उसके ऊपर जो head आने के है ना 75% times head आता है उसके ऊपर। तीसरा जो coin है बेटा वो हमारे पास क्या है, unbiased coin, यानी उसके ऊपर head आने के chances कितने हैं, 50%, ठीक है। तो उन तीनों में से एक कॉइन को क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया रैंडमली। तो तीनों कॉइन को जो हम तीनों में से किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वहां पर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और सेलेक्ट करने के बाद जब हमने टॉस किया तो हमें क्या मिला, हेड मिला। तो हेड का मिलना हमारे पास हो गया कॉमन इवेंट। तो पहला इवेंट बेटा हमारे पास हो गया सेलेक्ट फर्स्ट कॉइन, ठीक है बेटा। सेकेंड इवेंट हमारे पास हो गया सेलेक्ट सेकेंड कॉइन, ठीक है। और थर्ड इवेंट बेटा हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्ट थर्ड कॉइन, क्लियर बेटा। और कॉमन इवेंट हमारे पास क्या हो गया, गेटिंग हेड, क्योंकि जब हमने उन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट किया है, इवेंट हो गया पहले कॉइन को सेलेक्ट करना, E2 हो गया हमारे पास सेकंड कॉइन को सेलेक्ट करना, और तीसरा इवेंट हो गया हमारे पास थर्ड कॉइन को सेलेक्ट करना। और तीनों में से एक सेलेक्ट करके जब हमने टॉस किया तो हमें क्या मिल रहा है, हेड आने की प्रॉबिलिटी हमें निकालेंगे यहाँ पर। तो बेटा इसकी प्रॉबिलिटी अगर अपन निकालेंगे तो कितनी होगी, टोटल कॉइन कितने हमारे पास, 3, उसमें से फर्स्ट कॉइन को अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1/3। प्रॉबिलिटी ऑफ E2 अगर अपन बात करें बेटा कितना आएगा, 1/3, ठीक है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ E3 भी कितना आएगा, क्योंकि तीनों कॉइन को सेलेक्ट करने की जो प्रॉबिलिटी होगी वो सेम होगी 1/3। अब अपन देखो यहाँ पर क्या निकालते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, ए अपॉन इवन क्या है, हेड आना, क्या है, हेड आना, कब, जब मैंने फर्स्ट कॉइन चूज किया हो। और फर्स्ट कॉइन बेटा क्या है, मेरे पास ऐसा कॉइन है जिसके दोनों ओर क्या है, हेड है, जिसके दोनों ओर क्या है, हेड है। तो मैं इधर से उछालू
तो इधर मतलब ऊपर आए तो भी हेड, नीचे है तो भी हेड, यानी दोनों तरफ हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए टू। ए अपॉन ए टू क्या है बेटा अपने पास, ए अपॉन ए टू की हेड का आना जब मैंने कौन सा कॉइन चूज किया हो, सेकंड कॉइन मैंने यहाँ पर टॉस किया हो। ठीक है, तो सेकंड कॉइन आ चुका है उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा सेकंड कॉइन जो 22 कॉइन है जिस पर हेड कितने टाइम आ रहा है, 75%, तो 75% का मतलब 75/100, तो कितना हो जाएगा 3/4। और इसी तरह बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन ए अपॉन ई थ्री निकाले, यानी हेड का आना जब हमने थर्ड कॉइन सेलेक्ट किया हो, यानी हो चुका है। ठीक है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर देखो बेटा जो थर्ड कॉइन है वो हमारे पास अनबाइस्ड कॉइन है, यानी इस पर हेड आने के चांसेस कितने हैं, 50%। तो 50% है तो कितना हो गया, मतलब 50/100, यानी कितना हो गया बेटा 1/2। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, यहाँ पर फाइंड करनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेड्स कॉइन, यानी जब हेड आ चुका हो, हमने कॉइन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने पर हमने टॉस किया, टॉस करने पर हमें क्या मिला, हेड। तो हेड हमारे पास आ गया, तो हेड जो आया वो कौन से कॉइन से आया, जिसके दोनों ओर क्या थे, हेड थे, है ना। तो इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऐसा कौन सा कॉइन है वो फर्स्ट कॉइन, यानी हमारे पास वो इवेंट क्या है, इवन, यानी और अपॉन क्या हो जाएगा, ए। ए क्यों, क्योंकि हेड तो आ गया, अब किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है कि वो फर्स्ट कॉइन से आया। ठीक है, तो बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन, इन सभी को लिख देंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई थ्री। क्लियर बेटा, अब इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन कितना अपने पास, 1/3, 1/3 इंटू प्रॉबर्टी ऑफ ई अपॉन ईवन कितना अपने पास, 1 ही है, अपॉन, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 इंटू 1, प्लस ई टू कितना है, 1/3, और ए अपॉन ई टू कितना अपने पास, इंटू 3/4, प्लस ई थ्री कितना बेटा अपने पास, प्रॉबर्टी ऑफ ई थ्री 1/3 इंटू ए अपॉन ई थ्री कितना है, 1/2। क्लियर बेटा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास रह गया 1/3, यहां से रह गया 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। क्लियर, तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/3 एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ रहा है अपने पास एलसीएम, यहाँ पर 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 के हिसाब से कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, मैं डिवाइड करेगा तो सॉरी 6 नहीं लेके अपन एलसीएम क्या ले लेते हैं, अपन 24 ले लेते हैं, है ना, 24, तो 24 को 3 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 4, 1/3, और ये अपने पास कितना हो जाएगा टोटल, 8 और 6 यानी 6 × 10 = 18, तो ये हो गया अपने पास 18, तो 1/3 इंटू 24 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, तो ये कितने टाइम कैंसिल कर देगा इसको बेटा, 8 टाइम, 8/18, इसको और कैंसिल करें तो 4/ कितना आ जाएगा अपने पास, 9। तो इस तरह हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई, वो भी कौन से, फर्स्ट कॉइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या कह रहा है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन पेशेंट इज इन्फेक्टेड एक्चुअली बाय द डिजीज। बेटा एक लैब के अंदर ब्लड टेस्ट किया गया जो कि 99% बेटा क्या है, 99% टाइम असरदार है, यानी इफेक्टेड है, कब, जब वास्तव में जो पेशेंट है वो उस डिजीज से क्या है, सफर कर रहा है। ठीक है, हाउएवर द टेस्ट इज आल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड, जबकि 0.5% टाइम वो जो ब्लड टेस्ट है कि जो रिपोर्ट है वो गलत रिपोर्ट देती है, यानी जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो गलत रिपोर्ट देती है, कितने टाइम, 0.5% टाइम, कब, जब वास्तव में जो पर्सन है वो हेल्थी है, उनका टेस्ट किया गया वो हेल्थी निकले, तो 0.5% टाइम क्या हो गया, वो जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो गलत हो गई। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज,
यानी टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 0.1% कितना 0.1% वास्तव में उस जो डिजीज है उसे सफर कर रहे हैं, उसे इफेक्टेड है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को जो है डिजीज है, जबकि गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, जबकि उसका जो टेस्ट है वो क्या है पॉजिटिव है। तो बेटा यहाँ पर दो इवेंट हो गए अपने पास, दो इवेंट क्या हो गए, या तो जो पर्सन है उसको बीमारी है या फिर नहीं है, यानी वो डिजीज है या नहीं है। तो इवेंट हमारे पास इवन हो गया, पर्सन हैज डिजीज, तो पर्सन की डिजीज है, उसको बीमारी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी तरीके हमारे को 0.1%, 0.1% का मतलब 0.1/100 उसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.001। सेकेंड इवेंट क्या हो गया बेटा, पर्सन हैज नॉट डिजीज, दो ही इवेंट है, या तो उसको डिजीज होगी या नहीं होगी। तो ना होने के लिए अपन क्या करेंगे, तो जो डिजीज होने की प्रॉबिलिटी उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 0.999 आ जाएगा अपने पास। तो ये तो हो गया दो इवेंट। अब बेटा कॉमन इसके अंदर इवेंट क्या है कि द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, कि हमने ब्लड टेस्ट किया और रिपोर्ट क्या है पॉजिटिव है, है ना। तो दोनों के अंदर कॉमन यही है ना, क्योंकि 99 हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो वो इफेक्टेड भी हो रही है, अगर वास्तव में लोग उससे क्या है डिजीज से सफर कर रहे हैं, और 0.5% टाइम बार भी अगर वो रिपोर्ट गलत बता रही है फिर भी ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन रिपोर्ट गलत है। कब पता चला, जब हमने जो हेल्दी पर्सन है उनका टेस्ट किया, समझ में आ रहा है। तो उस केस के अंदर क्या हो गया, दोनों केस के अंदर ब्लड टेस्ट तो रिपोर्टिंग जो है वो पॉजिटिव ही बता रही है, वो तो बाद में टेस्ट किया तब पता चला कि भाई 0.5% टाइम जो है वो रिपोर्ट जो है गलत है, जबकि लोग तो क्या है स्वस्थ है उससे। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, तो क्या होगी बेटा, देखो कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है कब, जब वास्तव में लोग क्या है उस बीमारी से ग्रस्त है, यानी उस बीमारी से इफेक्टेड है उस डिजीज से। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 99% टाइम दे रखा है कि भाई 99% इफेक्टिव है, तो 99% का मतलब क्या हो गया 99/100 यानी 0.99। फिर हम निकालेंगे कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव कब, जब पर्सन हैज नॉट डिजीज, यानी रिपोर्ट तब भी पॉजिटिव है कब, जब हमने उस उन पर्सन का टेस्ट किया और उनको कोई डिजीज नहीं निकली, तब भी क्या होगा 0.5% टाइम वो गलत आ रही है रिपोर्ट, तो 0.5% टाइम। यानी दोनों ही केस के अंदर देखो बेटा रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर इवेंट इवन के लिए तो वास्तव में लोग उससे डिजीज से सफर कर रहे हैं, और सेकंड जो अपन निकाल रहे हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव कब, जब E2 इवेंट हो, E2 इवेंट का मतलब हमने ब्लड टेस्ट किया रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं निकली, लेकिन एक्चुअल में जो लोग हैं वो वहां पर उस बीमारी से सफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.5% बाद में था, तो 0.5% का मतलब क्या हो गया 0.5/100, और 100 का क्या लिख सकते हैं अपन 0.005। तो किस चीज की प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रॉपर्टी हमें इस बात की निकालनी है कि पर्सन हैज डिजीज, यानी लोग जो है वो डिजीज से सफर कर रहे हैं, यानी उनको बीमारी है, रोगी है वो। ठीक है, कब, जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव हो, ये मान पता है। तो हम इसमें बेस थ्योरम लगा देंगे, तो इवन अपन ए, तो प्रॉपर्टी ऑफ इवन ऊपर रह जाएगा, ए अपन इवन, और बाकी जितनी प्रॉपर्टीज अपन यहां पर फाइंड करेंगे उसको नीचे ऐड करके लिख देंगे, तो 0.01 × 0.99 हो जाएगा। इसको वापस यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यही वैल्यू आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ E2 कितना बेटा 0.999, और प्रॉपर्टी A अपन E2 कितना है 0.005। ठीक है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास बेटा आंसर कितना आएगा 22/133। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है यहाँ पर। एक बार अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है समझने में, तो अगर वीडियो को वापस प्ले करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 16.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स। बेटा बात ये कह रहा है कि ये कॉलेज है जिसमें 60% स्टूडेंट तो हॉस्टल में रहते हैं और 40% स्टूडेंट कहां रहते हैं बेटा, हॉस्टल में नहीं रहते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। बेटा इस लाइन का मतलब यह है कि हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट्स है उनमें से 30% स्टूडेंट को तो क्या मिला, ए ग्रेड मिला, और हॉस्टल में नहीं रहने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से 20% स्टूडेंट को क्या मिला बेटा, ए ग्रेड मिला। कौन बता रहा है, ये प्रीवियस ईयर के रिजल्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी साल के लास्ट के अंदर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज।
तो कॉलेज में से साल के लास्ट में एक स्टूडेंट को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, ठीक है, ही हैज एन ए ग्रेड, जिसके पास ए ग्रेड है यानी जिसको ए ग्रेड मिला, ठीक है। तो बेटा ए ग्रेड का मिलना हमारा यहाँ पर कॉमन इवेंट हो गया। कॉमन इवेंट क्यों हो गया? क्योंकि हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स में से भी ए ग्रेड मिला है और हॉस्टल में ना रहने वाले स्टूडेंट्स को भी ए ग्रेड मिला है, ठीक है, वो भी 20% को। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, यानी हमने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया जिसको ए ग्रेड मिला, ठीक है, जिसको ए ग्रेड मिला, वो स्टूडेंट कहाँ रहता हो? हॉस्टल में रहता हो। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा इवेंट इवन हमारा हो गया यहाँ पर, स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, इसका मतलब हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट। बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी दे रखी है? 60% स्टूडेंट रहते हैं, तो 60% का मतलब कितना हो गया? 60/100, 0 से 0 कैंसिल, 0.6। क्लियर? ई2 इवेंट क्या हो गया बेटा हमारे पास? स्टूडेंट नॉट रिसाइड इन हॉस्टल, यानी स्टूडेंट में नहीं रहने, सॉरी, जो हॉस्टल में नहीं रहने वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो इसकी प्रॉबर्टी हमारे को कितनी देर की बेटा? प्रॉबर्टी ऑफ ई2 हमारे पास 40% स्टूडेंट जो है हॉस्टल में नहीं रहते हैं, स्कॉलर है, डिस्कॉलर है, तो 40% मतलब 40/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 0.4। तो बेटा यहाँ पर ए जो है कॉमन इवेंट है दोनों के अंदर ही, वो क्या है? ए ग्रेड अटेंड करना है ना, तो अटेंड ए ग्रेड, ठीक है बेटा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन। ए तो मतलब वह स्टूडेंट जिनको ए ग्रेड मिला, जो कि कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं, यानी हॉस्टल में रहने का इवेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें निकालना है कि उनको ए ग्रेड मिला है। तो बेटा हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को जो ए ग्रेड मिला वो कितना परसेंट है? 30% है। 30% मतलब 30/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन क्या निकाल लेते हैं? ए अपॉन ई टू निकाल लेते हैं। ए अपॉन ई टू का मतलब क्या है? वह स्टूडेंट जिनको ए ग्रेड मिला और कहाँ रहते हैं? वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसका परसेंटेज कितना दिया है? 20%, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी 0.2। बेटा किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें? प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर किस बात की? स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, हॉस्टल यानी रिसाइड है ना, हॉस्टल यानी इवेंट इवन है हमारा, यानी हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट है और जिसको ए ग्रेड मिला। तो ये क्या है प्रॉबर्टी ऑफ इवन अपन ए का मतलब क्या है? वह स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं जिनको क्या मिला? ए ग्रेड मिला, जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया। तो प्रॉबर्टी ऑफ बेटा कितना हो जाएगा? इवन। प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन इवन, बेस थ्योरम लगा देंगे अपन, प्रॉबर्टी ऑफ इवन, प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन इवन, डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू। क्लियर बेटा? हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना अपने पास? 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन कितना बेटा अपने पास? 0.3, ठीक है। यहाँ पर भी रखिए तो 0.6 प्लस इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.2, इनकी वैल्यू अपन ने रख दी। बेटा ये हो गया 0.18, ठीक है, ये भी हो गया 0.18 प्लस ये हो गया 0.08, तो इसको ऐड कर देंगे तो 0.18 नीचे आ जाएगा मेरे पास कितना? 0.26, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आया? 18/26 कैंसिल आउट होने पर कितना आएगा? 9/13। तो ये हमारे पास प्रॉबर्टी आ गई हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट की जो कि ए ग्रेड मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा क्या कह रहा है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। बेटा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 तो स्कूटर ड्राइवर का, 4000 कार ड्राइवर का एंड 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15। बेटा यहाँ भी ये कह रहा है कि स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0.15 है, यानी 0.01, 0.03 और 0.15 यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी दे रही है एक्सीडेंट होने की, वो भी किसकी?
कार ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर की। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, तो वो जो इंश्योरेंस वाले लोग थे उनमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि जिसका एक्सीडेंट हुआ वो स्कूटर ड्राइवर था। तो बेटा हमारे पास तीन इवेंट हो गए। पहला इवेंट हो गया स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड, मतलब स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस होना, और इस बात की प्रॉबिलिटी बेटा हम निकालेंगे, अभी निकालते हैं, ठीक है। इवेंट E2 की बात कर लें तो कार ड्राइवर्स इंश्योर्ड, इसकी भी प्रॉबिलिटी हम अपने पर निकालेंगे, है ना। और इवेंट E3 क्या हो गया बेटा, ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड, ठीक है, और इसकी भी हम प्रॉपर्टी अभी निकालते हैं। देखो प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट निकाले तो स्कूटर ड्राइवर, तो टोटल कितने लोगों का बीमा हुआ, 2,000, 4,000 and 6, तो कितना हो गया बेटा टोटल जो है जिनका इंश्योरेंस हुआ वो है अपने पास 12,000, उनमें से स्कूटर ड्राइवर का होगा तो कितने हो गए 2000, क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/6। इसी तरह टोटल कितने हैं जिनका इंश्योरेंस हुआ 12,000, उनमें से कार ड्राइवर का कितना हुआ 4000, 30 से 30 कैंसिल आउट, 4/12 कितना हो गया बेटा 1/3। इसी तरह अपन ट्रक ड्राइवर का निकालें तो 12,000 और ट्रक ड्राइवर के कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ 6,000, तो कैंसिल आउट होके कितना आएगा बेटा 1/2। ये तो आ गई हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इवेंट ए की बात कर लेते हैं अपन, किसकी, इवेंट ए। तो बताओ इवेंट ए क्या है, यानी इन सभी के अंदर कॉमन बात क्या है, एक्सीडेंट होना, है ना, क्या होना है, तो एक्सीडेंट अकर्स, बेटा अकर्स का मतलब यहाँ पर समझना क्या होता है, का मतलब होता है होना, किसी का होना, यानी किसी इवेंट का, यानी किसी घटना का होना। तो एक्सीडेंट होना यानी दुर्घटनाग्रस्त होना, यहाँ पर क्या बता रहा है, इन तीनों के अंदर कॉमन इवेंट बता रहा है बेटा। अब मैं प्रॉबिलिटी फाइंड करूंगा किसकी, ए अपॉन इवन, बताओ ए अपॉन इवन क्या है, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट तो हो रहा है लेकिन किसका, स्कूटर ड्राइवर का। इसकी प्रॉबिलिटी हम आपको दे रखी है 0.01, ठीक है। मैं प्रॉबिलिटी निकालूंगा ए अपॉन E2, एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन किसका, कार ड्राइवर का, इसकी प्रॉबर्टी हमारे को कितनी दे रखी है 0.03। इसी तरह मैं निकालूंगा प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन E3, बेटा ई अपॉन E3 यानी एक्सीडेंट किसका हुआ, ट्रक ड्राइवर का, उसकी प्रॉबर्टी कितनी दे रखी है 0.15। तो मुझे टोटली फाइनली किसकी प्रॉबर्टी निकालनी है कि उनमें से एक जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, उस बात की प्रॉबर्टी निकालो कि वो कौन था, स्कूटर ड्राइवर था। तो स्कूटर ड्राइवर के लिए इवेंट कौन सा है बेटा, हमारे पास इवन है, यानी हमें क्या निकालना, इवन अपॉन ए, ये क्या बता रहा है, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होना, यानी एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन किसका, स्कूटर ड्राइवर का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस, इन सभी को लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रॉबर्टी ऑफ E3, प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन E3, क्लियर बेटा। इन सबकी वैल्यू ऐड करते हैं तो ये कितना है 1/6 इंटू 0.01 अपॉन, ये भी कितना है 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.0, कितना बेटा 3 प्लस 1/2 इंटू 0.15। तो बेटा देखो ऊपर तो हमारे पास आ रहा है 0.01/6, यहाँ पर अपन 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6 से 6 तो कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 0.01 एलसीएम लेने पर, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो एलसीएम अपन 6 लेंगे तो यहाँ पर तो रह जाएगा अपने पास केवल 0.01, यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 2 रहेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 0.03 से, तो ये हो जाएगा 0.06 प्लस ये 2 6 को डिवाइड करेगा जो एलसीएम में था, तो यहाँ पर रह जाएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, क्लियर बेटा। तो 0.01
इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.52। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 51/52 हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो बेटा ये इवेंट है, ये कॉमन इवेंट क्या है, हम a1e1 a1e2 a1e3 यानी ये कैसे निकालते हैं। कम से कम आप 5 से 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लगाओगे तब आपको ये चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा क्या कह रहा है। आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट एंड स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस। बेटा बात यह है कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसके अंदर एक स्टूडेंट है, या तो आंसर जानता है या फिर वो गैस करता है। तो दो इवेंट हो गए, आंसर का जानना और आंसर का गैस करना। तो पहला इवेंट अपना हो गया यहाँ पर इवेंट स्टूडेंट नोज आंसर ठीक है, और बेटा दूसरा इवेंट हो गया हमारे पास स्टूडेंट आंसर ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आगे उसने बोला कि लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। तो बेटा अगर वो आंसर जानता है तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना गया है कि यदि वो आंसर जानता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गया अपने पास 3/4, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। और अगर वो आंसर गैस करता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया अपने पास 1/4 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट ठीक है विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आंसर सही है और जो आंसर दिया है वो बिल्कुल आंसर जानता हो, यानी इसमें गैस ना किया हो। तो बेटा कुल मिलाकर अगर अपन कॉमन इवेंट की बात करें तो कॉमन इवेंट क्या है, कॉमन इवेंट बेटा अपने यहां पर आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट मतलब कि यदि वह गैस करता है तो भी आंसर सही है और वह आंसर जानता है तो भी वह सही है। बात समझ आ रही, दोनों सिचुएशन में आंसर यहाँ पर सही देता है वो। ठीक है, तो अगर मैं निकालू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन तो बेटा ये किस बात की प्रॉबर्टी हो जाएगी कि आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट व्हेन स्टूडेंट नोज द आंसर। तो बेटा जब मुझे एक चीज बताओ कि यदि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर जानता हूं ठीक है और मैंने उसको सही कर दिया तो यहाँ पर टोटल प्रॉबर्टी कितनी होगी 100%, यानी मैंने कोई गैस नहीं किया, गैस करता तो 50 से हो सकता है कि 60% मुझे पता हो, 40% मुझे नहीं पता हो, है ना, 50% चांस सही हो, 50% चांस गलत हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं आंसर जानता हूं और वो करेक्ट है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 100%, 100% मींस टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा 1। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू, ए अपॉन ई टू का मतलब क्या है बेटा, ए अपॉन ई टू का मतलब है कि आंसर करेक्ट है कब, जब हमने उसको आंसर को गैस किया, यानी स्टूडेंट ने आंसर गैस किया होगा। तो इस बात की प्रॉपर्टी हमारे को ये दे रखी बेटा यहाँ पर देखो, अज्यूमिंग दैट कि मानते हुए ए स्टूडेंट हु गैस द आंसर, जो आंसर है वो स्टूडेंट गैस करता है will be correct, क्या होगा सही होगा with probability 1/4। तो यही तो बात ये a upon e2 कह रहा है कि भाई answer is correct कब, जब he guess the answer। तो इस बात की probability अपने को यहाँ पर 1/4 question में दी है। तो क्या probability हमारे को निकालनी है, probability हमारे को इस बात की निकालनी है कि answer is correct but जो answer दिया है वो क्या है, student 100% जानता हो, इस बात की हमारे को यहाँ पर प्रॉबर्टी निकालनी है। तो एज अपन बेस थ्योरम लगा देंगे तो प्रॉबर्टी ऑफ इवन, प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन इवन अपॉन प्रॉबर्टी ऑफ इवन, प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रॉबर्टी ऑफ ई टू, प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन ई टू कंप्लीटली सामने लिख देंगे। बड़ा प्रॉबर्टी ऑफ इवन कितना अपने पास 3/4 इंटू, प्रॉबर्टी ऑफ ए अपॉन इवन कितना अपने पास इंटू 1 है अपॉन, तो ये भी कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4, इन दोनों की प्रॉबर्टी यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी 1/4 1/4। बेटा ऊपर तो हो गया 3/4, नीचे हो गया अपने पास 3/4 और ये हो गया अपने पास 1/16। तो देखो कितना हो जाएगा 3/4 16 नीचे एलसीएम आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे 4, ये कितना टाइम हो गया 4 टाइम
बेटा यहाँ पर तो रह गया अपने पास कितना, या फिर इसको ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख लो, ठीक है रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो 3/4, एक मिनट यहाँ 16 है इंटू 16 ऊपर नीचे 13, तो कितनी बार चला जाएगा 4 टाइम, तो 12/13 क्लियर बेटा। तो इस बात की हमारे पास यहाँ पर प्रॉबिलिटी आ गई कि आंसर जानता है और जो उसने करेक्ट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।